हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 एंड 4.77 रेस्पेक्टिवली एट टी केल्विन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमीन डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन इज, और हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पी के ए एंड पी के बी। तो जो हमारे पास पी के ए और पी के बी की वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। तो हमने अगर गिवन डेटा लिख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, पी के ए ऑफ एसिटिक एसिड एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.77। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज पी के बी ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड दिस इज इक्वल टू 3.27। जो पी के है, पी के ए वो जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है उसको शो करता है, और जो पी के बी होता है वो बेस के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम पीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें पी के ए और पी के बी दिया गया हो। द फॉर्मूला इज पीएच इज इक्वल टू 7 + 1/2 पी के ए माइनस पी के बी। यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लग कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे 4.77 - 3.27। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसे लिखते हैं तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.5, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर कैलकुलेट करने पे हमारा जो आंसर है दैट इज 7 + 0.75 आ जाएगा यहाँ से, और फाइनली जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 7.75। अब हम इसको मैच करके देखते हैं कि हमारे पास गिवन ऑप्शंस में से किसके साथ ये मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी 7.75। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।